हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज सैयद हुसैन के साथ। आज हम हैं खरपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, जहाँ पे रास्ता रोको आंदोलन चालू है। चलिए योगेश भाऊ पवार से। ये जो चक्का जाम हुआ है, ये किसानों पे अन्याय हुआ, उस कारण ये चक्का जाम है। जो किसानों का बीमा आया, वो बीमा किसानों के सेविंग खाते में जमा न होते हुए वो पीक कर्जा में जमा हुआ, जो कि कुछ किसानों को बीच में आमदार कड़ू ने जो बैंक को विजिट करे, और बैंक विजिट करने के बाद आरएम को और बैंक साहब को बहुत ज़्यादा तरीके से झापे, तो उसके कारण उनके नज़दीक के कार्यकर्ताओं के कुछ लोगों के जो बीमा आया वो सेविंग खाते में जमा हुआ और उनको बीमा मिल गया। लेकिन 416 किसान ऐसे हैं कि जिनको अभी तक के बीमा मिला नहीं, और बीमा मिला तो नहीं, लेकिन जो अब कर्ज माफी आई वो बीमा न मिलने के कारण उनको पुनर्गठन करना पड़ा, यानी रिन्यूअल करना पड़ा। रिन्यूअल करने के बाद वो रेगुलर हो गए, और रेगुलर होने के बाद अभी जो कर्जा माफी आई वो कर्जा माफी में भी वो लोग आए नहीं। वो कारण दोनों तरफ से उनका नुकसान हुआ, एक तो उनको बीमा नहीं मिला, और दूसरा कि जो कर्जा माफी आई वो कर्ज माफी में भी वो यहाँ तक के जब तक के बैठेंगे जब तक के हमको क्लियर आश्वासन ना मिले, क्योंकि कुछ लोगों को जो बीमा मिला वही न्याय बाकी 416 किसानों के साथ होना चाहिए, यही अपनी मांग है। जब तक कि हमें खुला क्लियर आश्वासन ना मिले तब तक के हम यहाँ से नहीं उठेंगे। इसमें सामान्य नागरिकों को जो तराश हो रहा है उसके लिए वो तो प्रशासन का विषय है। प्रशासन ने अभी तक के फील्डिंग लगाना था, अभी तक के जो जवाबदार अधिकारी है वो अधिकारी ने यहाँ तक के अभी तक के पहुँचना था, अभी तक के वो पहुँचे नहीं, वो बेजवाबदार लोग है, प्रशासन बेजवाबदार हो गए। आपने उनको माहिती नहीं दी थी? सबको यानी 10 दिन हो गए नोटिस देने के लिए, सबको अर्जा दिए, पुलिस स्टेशन, एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, बैंक, रीजनल ऑफिस, खासदार, आमदार, मंत्री, सबको अर्जा दिए। ये किसानों का मुद्दा सब तक के पहुंचा, वो कारण उनकी जवाबदारी है। आपका बोलना ये है कि जो अभी जो देरी हो रही है, हाँ, ये जवाबदार बनाए, ये लोगों को जो तकलीफ हो गई 2-2.5 घंटे से, ये प्रशासन बेजवाबदार है। उन्होंने आधे पौन घंटे में आ जाना था, जब तक के वो आते नहीं, जब तक के हमको आश्वासन देते नहीं तब तक के यहाँ से हम उठते नहीं। देख रहे थे TNN 24 न्यूज सैयद हुसैन के साथ।